हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो अभी हेडफोन लाया क्योंकि मीटिंग चली थी चोटी के साथ, सारे स्टूडेंट आए हुए थे, हम भी गए थे। तो भाई साहब बताया ये गया कि कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, 50-50 चांस है, रात भर में बदल जाता है, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन का दबाव बन रहा है कि स्कूल में तो सब 18 से कम बच्चे उनका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, लेकिन कॉलेज में तो सब डबल डबल डोज लेकर बैठे हैं, तो उनका क्यों ऑफलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन हो रहा है सॉरी। तो बात ऐसा हुआ कि बोले कि पढ़ते रहो, रात भर में जो है वो सब बदल जाता है RGPB में, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा मतलब अपना बेस्ट तैयार करते रहो, नहीं तो पता चला कि सो गए सीधे, पता चला कि ऑफलाइन होगा, तब तो भैया गए सबके सामने पट गए। तो चलिए अब चलते हैं हम खाना बनाने और देखते हैं आज क्या रेसिपी बनता है। ओके, तब तो तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस, सोते सोते हुए हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना चिकन बनाया जाए। तो चलिए चलते हैं चिकन शॉप पे और वहाँ से चिकन लेके आते हैं, हड्डी वाली पीस लेग पीस के साथ, ठीक है? तो आज बनेगा चिकन। ओके, तो चलिए चलते हैं अब दुकान पे, वहीं पे मिलेंगे आपसे हम, ठीक है? तो गाइस, भाई साहब ले आ गया चिकन हम लोग का। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने रूम पे बनाने के लिए कीमा आगे के तरफ प्लस। तो भाई साहब, हमारा चिकन रेडी होने वाला है 2 मिनट में मात्र, और जो चावल है वो रेडी हो चुका है, क्योंकि आज हमने बनाई है जीरा चावल। तो ये पीछे ये क्या बोलते हैं उसको, खोलना या ढपकना, खाने का पक जाने के बाद पानी जो ग्रेवी के लिए वो रेडी हो रहा है। तो राजकुमार जी गए हैं ब्रश करने के लिए, हम ब्रश कर लिए हैं, तो चावल निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद बैठेंगे खाने बढ़िया से याट हड्डी के साथ हड्डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम खाना निकालना। ओके, तो गाइस हमारा खाना हो चुका है रेडी। भाई साहब हम बाहर निकाल भी लिए हैं, यहाँ पे देखिए नीचे तालियों के साथ। आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं, अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आधा किलो चिकन एक ही टाइम में खत्म, और शाम को कुछ दूसरा बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से हम। गाइस ये रहा आपके साथ, वो सामने वो प्लेट है वो हड्डी के लिए है, और ये है और ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना खाना। हमारा हो चुका है खाना बिना रेडी, और ये गमछियों की दुकान, दो अभिषेक अपना गमछी यहीं पर छोड़ के चला गया है। तो भाई साहब जा रहे हैं थोड़ा सा आराम करने, बहुत ज़्यादा ढिकार आ रहा है, तो चलिए चलते हैं आराम करते हैं। उसे आके बाद हम सोने के बाद आपसे मिलेंगे, क्या हाल है क्या अपना मौसम है, चलेंगे आज मंडी भी सब्जियाँ कुछ लाने के लिए। ओके गाइस, अभी हम जा रहे हैं भैया सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि भाई साहब तो प्याज व्याज सब बढ़िया है, लेकिन हरी सब्जी नहीं है, क्योंकि चिकन मटर मसाला बहुत दिनों से सोचा कि थोड़ा हरी सब्जी लाए खा ले। तो अभी सुबह उठे हैं, मूवी देख रहे थे एवेंजर इंडिया, 5वीं बार रिपीट कर दिए, लेकिन आधे पता सिर्फ लड़ाई ही देख रहे थे। तो चलिए चलते हैं मार्केट, उसके बाद सब्जी खरीद के लाते हैं, जल्दी से खाना बनाएंगे क्योंकि राजकुमार को छोड़ना है, वो ट्रेन आने वाली है 10:40 में। तो चलिए जल्दी चलते हैं हम मार्केट। ओके गाइस, भाई साहब हम आ गए सब्जी लेकर, ये देखिए ये है गोभी, हरा मटर, और इधर आलू। भाई साहब तो चलिए बनाते इस समय आलू गोभी की भुजिया बनाएंगे, और मटर डाल के, और रोटी। बात ऐसा है कि चेहरे में कुछ अलग सी खुशी है। तो हमारा भैया खाना हो चुका है रेडी, हम आपको दिखा दे रहे हैं हरी मटर के साथ जबरदस्त रोटी आज एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसको हमको कैसे भी खाना पड़े। ये रहा हमारा सब्जी और ये रहा रोटियां, जो दो लोगों में समाप्त करनी है इसको बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम प्रयास करें कि रोटियाँ वेस्ट ना हो, क्योंकि भाई साहब भारत देश में बहुत से लोग हैं अभी जो बिना खाए हुए सोते हैं, सही है। तो चलिए अब खाना खाते हैं, उसके बाद आपको खाने के बाद हम मिलेंगे सीधा आपको स्टेशन, तो आप बने रहिए हमारे साथ, और चलते स्टेशन आपसे हम बात करेंगे रोड में, ऐसा मतलब छुप छुप कर नहीं, तो पता ना कौन मोबाइल खींच के लेके चला जाए, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलिए पहले चलते हैं स्टेशन खाना खा के, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सब जैसे रेडी होते हैं, क्योंकि 40 मिनट हमें हमारे पास स्टेशन जाने में, ठीक है? रेडी होकर चलते हैं स्टेशन, नहीं तो ट्रेन निकलेगी तो फिर प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रेन चली थी भाई आधा घंटा लेट, उन्होंने मेकअप कर लिया अपना टाइम, तो जल्दी चलते अपने हम स्टेशन। ओके, मिलेंगे आपसे स्टेशन पे ही। सर रोड पर देखिए ये पैदल चले जाएंगे, और यहाँ से हमको 1.5 किलोमीटर जाना है, ठीक है? तो चलिए चलते जल्दी स्टेशन पे हम, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है भाई साहब, 10 हो गया ना, और हमारे पास आधे घंटा है, और आधे घंटे हमको 150 मीटर पहुँचना है, मतलब 2 मिनट में 100 मीटर, ठीक है? तो जल्दी चलते अपने हम स्टेशन पर, आप तो स्टेशन पर ही मिलेंगे, और वहाँ पर जो होगा वो वीडियो जो शूटिंग है वहीं शूटिंग होगा। ओके, हम पहुँच चुके हैं स्टेशन भाई साहब, और ट्रेन हमारी है जो 20 मिनट पहले ही आ गई है, लेकिन अपने टाइम से ही खुलेगी। तो चलिए चलते पहले प्लेटफार्म टिकट लेने के लिए, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया, यहाँ पेड़ है और लाइट भी नहीं लगे हुए, तो स्टेशन हम लोग के सामने है, दिखा देंगे। आज कंटिन्यू 5-6 दिन से स्टेशन आ रहे हैं, 5-6 दिन से कंटिन्यू भैया। तो चलिए चलते हैं आप स्टेशन पे, उसके बाद दिखाएंगे आपको। अभी हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, ये देखिए भाई साहब, ये आ जाए कल आए थे जा रहे हैं, और ये हमारा प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी है, नहीं तो
टिटी पकड़ने के बाद पता ना क्या क्या कर देगा, समझ में नहीं आएगा। भाई सब ट्रेन आ गई लेकिन ये ट्रेन नहीं है, हमको लगता है। देखिए भीड़ भैया, कोरोना इतना है तभी भीड़ है। मास्क किसी ने लगाया है? लाइट कोई लगाया मास्क, कोई नहीं लगाया। तो हम तो भैया अपने सेफ्टी में चलते हैं। सर हमारे पास से 8 मिनट टाइम हो गया, 8 मिनट में आने वाली है और वो भोपाल केविन के पास आ गई ट्रेन। देखिए पीछे भैया व्यवस्था तो बढ़िया, लेकिन यहाँ गुटखा थूकने वालों की दीवार, पूरा गुटखा थूक थूक के पता ना क्या क्या कर दिए हैं। तो इनको ट्रेन पकड़ा के उसके बाद हम निकलेंगे अपने रूम के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर है पैदल ही आ गए थे आज, तो 18 मिनट में पैदल आ गए थे हम लोग यहाँ पे। तो पैदल जाने हमको टाइम नहीं लगता है, 2 ही किलोमीटर है, क्योंकि चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो चलिए अब हम चलेंगे, ट्रेन आने वाली, क्योंकि ट्रेन निकलेगी उसके तुरंत ही बाद वो वाली ट्रेन आएगी। ठीक है, तो बना रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए रोहित स्ट्रीट ब्लॉग, लाइक कमेंट भी करना है भैया, बाद में बताएंगे रूम पर चलते हैं। तो ये रहा है जनरल बोगी। ओके, तो इसमें ही राजकुमार जी हमारे बैठे हुए हैं पीछे वाली सीट पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह नहीं है और ये जनरल है, आराम से जाएगा, सीट बैठ जाएगा इनको। तो अब हम चलते हैं अपने रूम पे, क्योंकि अभी ट्रेन थोड़ी देर में खुलने वाली है, लेट ही आई थी, 50 में शायद खुल जाएगी। तो चलते हैं अपने रूम पे। कुमार जी को अभी बोलते हैं, चलिए आप कब तक आएंगे भोपाल ये बताइए। देखिए कब तक आ रहे हैं, अब तो अब काम अच्छा रहेगा तो चलेगा वहीं पर। तो चलिए हाथ मिलाइए, अच्छे से जाइएगा। ओके ओके ओके, फिर मिलेंगे या तो होली में सीधे गांव में ही मिलेंगे। ओके, तो गाइस अब हम चलते हैं अपने रूम पर, क्योंकि 11 बज गए भैया, हमको जाने में लेट भी हो जाएगा, नींद भी लग रही है तेज, क्योंकि सोए नहीं थे। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने रूम पे। ठीक है, बाय बाय। हम आ गए स्टेशन से बाहर और राजकुमार जी की वाइट ट्रेन भी चल चुकी है, तो अब चलते हैं अपने रूम पे। 10:55 हो गया, चलते स्पीड में, देखते हैं कितने मिनट भाई मतलब पैदल अपने रूम पर पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर है मेरा रूम, तो चलिए अब अपना हम स्पीड बढ़ाते हैं और देखते हैं कितने बजे तक हम प्रयास कर रहे हैं कि 11:20 तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने हम अपने रूम पर। ठीक है, जैसा कि आप तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि भैया हम पुष्कर नगर में पहुँच गए हैं, जो हमेशा हम कुशवाहा जी यहीं से चले जाते हैं। तो यहाँ से और हमारा रूम 400 मीटर शायद, हाँ 400-500 मीटर और हमको पैदल चलना, 400 मीटर समझिए, 400 मीटर हमको पैदल चलना है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं भाई साहब, रुके नहीं कहीं पर भी, क्योंकि हमको रूम पे पहुंचने हैं। तो आंटी ताला लॉक कर देगी तो फिर उनको कॉल करना पड़ेगा या बेल बजाना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी चलते हैं हम अपने रूम पे। भाई साहब अपने रूम पे पहुंच चुके हैं भैया, पूरे 19 मिनट में अभी पहुँचे हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब स्लो नहीं आ रहे थे, इसलिए 19 मिनट हमको लगा आने में। तो बीच में वीडियो भी बना रहे थे, आप देख भी रहे थे कि कुछ कुछ रुक के। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कमेंट से, लाल वाला बटन है उस पर कुछ क्या बोले यार, सोचेंगे कल इसके लिए, कल बोलेंगे। ठीक है, तो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करिए, ब्लॉग ही मार्ग मेरा क्लिक कर दीजिए, जो आपकी उंगली है ना उंगली जिससे आप स्क्रॉल करते वहीं टिप दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए अलविदा, ये चाबी है। ठीक है, बाय।